नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस चैनल पर हम बहुत ही यूनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहां आपको हमारी जर्नी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारी ऑफिस के पहले दिन की और ऑफिस के माहौल के बारे में बात की थी। यही कुछ क्लिप्स है उस जर्नी की जो आप देख रहे हो, और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ हमारा काम कैसा है, क्या करना है, यही सब जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम गए थे खंभालिया ऑफिस में इंडक्शन करवाने के लिए। तो वहाँ हमारा सेफ्टी इंडक्शन हुआ और वहाँ हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर से मिलके हम लोग निकल पड़े हैं 33 KV लाइन वाला सब स्टेशन देखने के लिए। तो यही कुछ सब स्टेशन का नज़ारा है जो आप देख रहे हो। अभी हम लोग वह सब स्टेशन से निकल गए हैं और अभी वापस ऑफिस से होते हुए गेस्ट हाउस जा रहे हैं जहां हम अभी रहते हैं। तो हमें अचानक से आगे आते ही तूफान बारिश का सामना करना पड़ रहा है। वहां सब स्टेशन पे कुछ भी बारिश नहीं था और यह आते ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। आगे का कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप देख पा रहे होंगे पूरी तरफ पानी भरा हुआ है, खेत हरे भरे नजर आ रहे हैं, एकदम अच्छा सा लग रहा है। पूरा तूफानी बारिश का मौसम बना है तो सब वही आनंद उठा रहे हैं, एकदम बढ़िया लग रहा है, जस्ट लाइक दिल गार्डन हो गया हो। अभी हम लोग जा रहे हैं साइट विजिट के लिए। वहां हम ट्रांसमिशन टावर का पीट मार्कन करने वाले हैं और यह बहुत पानी भरा हुआ है और हम उसमें से ही गाड़ी निकल रहे हैं। हमें अभी इलेक्ट्रिकल साइट पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं आया है अभी तक, तो हम वहां जा नहीं सकते हैं। Cause it's buy one get one free. Shop small biz and you'll be happy. Yes, it's retail therapy. अभी नेक्स्ट डे चालू हो चुका है और हम यहाँ पर जा रहे हैं साइट पे जहाँ पवन चक्की का बेस बन रहा है, वही देखने जा रहे हैं।
अभी हम लोग साइट पे आ चुके हैं और यह हम कंस्ट्रक्शन वर्क देखने आए हैं। ये सब तो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट ये पवन चक्की का बेस बनने जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिकल होके भी इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये देखने आए हैं। जैस कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ा बेस बना रहे हैं ताकि ऊपर तक पवन चक्की सही से खड़ी रह जाए। यहाँ बीएम का सपोर्ट दिया गया है और यह गद्दा बहुत ही बड़ा है। इसका आकार तकरीबन जो पवन चक्की घूम रही होगी उसके डायमीटर के बराबर रखा जाता है। अगर आपको जानना है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह इसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इससे बिजली बनती है, तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप सब ठीक से समझ जाओगे। अभी जो आप देखे वह एक दूसरे लोकेशन पर आ गए हैं, परंतु ये पूरी तरह कल की बारिश की वजह से या भर गया है, तो इसका काम अभी रुका हुआ है। इसमें नीचे वाले सर्कुलर बेस पर कंक्रीट भर दिया गया है, पर बारिश का पानी भरने के कारण वह दिख नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ तरह से इसका शुरुआत होता है, बाद में जाके इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम साइट पे हैं, हमारे सामने हमारा सीमेंट का प्लांट है। ये कुछ हमारा 0.5 साइट का नाम है, कंपनी का नाम। ये कुछ ऑफिसेस है। ये जो आप WDG देख रहे हैं, ये हमारा जो वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो WDG से ही जनरेट करते हैं। तो अभी ये हमारे यहाँ पे नया साइट चल रहा है, हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन लाइन का। तो एक्स्ट्रा WDG डाल रहे हैं, तो उसका एक्सटेंशन एक सब स्टेशन में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से फैसिलिटी दी गई, यहाँ पे बाथरूम अलग करते जा रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस से जहाँ हम बैठते हैं बाथरूम वगैरह है, पानी है, ये ऑफिस है, एसी वगैरह है, वहाँ पे कंटेनर है जिसमें सामान रखा हुआ है, वहाँ खाने पीने का कंटेनर, और ये जो सर लोग आते हैं मेन में उनका कंटेनर, और बाकी का सामान जो है वो आगे रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान रखा हुआ है। एसी देख रहे हैं आप, हर जगह हर एक इसमें लगा हुआ है। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल सामान पड़ा हुआ है, पोल वगैरह, वो सब वायरिंग सब सामान इधर ही पड़ा है, ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए है। और ये हमारा WDG मस्त आराम से घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यही है कुछ साइड का नज़ारा, अभी कुछ दिन है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या कैसे वर्क कर रहा है। जो आप देख रहे हो, जो गाड़ी दिख रही है आपको, एक अलग टाइप की, ये तो बस गुजरात में ही देखने मिलती है। इसको बोलते हैं चकड़ा, शायद आलिया सामने दिख रही है, बीच में सड़क से गई, उसको बोलते हैं चपड़ा। तो ऐसे गुजरात में ही देखने मिलती है, यही कुछ नजर है।